ठीक है शुभम, अब ठीक दिख रहा है? ओके यस सो मेन जो परीक्षा है जिसको सबसे पहले टारगेट अपने को करना होगा, दैट विल बी जेई मेन एग्जाम, राइट? बहुत आसान है, ढंग से करोगे एक बार में फाइनल स्टेज पर पहुंच जाओगे, है ना? जेई मेन का जो एग्जाम होता है बच्चे, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा आपको? तो पहला मैथ्स पूछा जाएगा, ठीक है, उसका एक पेपर होगा, दूसरा फिजिक्स का पेपर होगा, है ना, और तीसरा जो होगा सो केमिस्ट्री आपको पूछा जाएगा, पीसीएम, यही सब्जेक्ट आपका 11th 12th में स्कूल में भी होगा, राइट है यस नहीं? अब ये 11th 12th में जो आपको स्कूल में जो सिलेबस है, सेम सिलेबस जो है सो आपका जेई का सिलेबस है। जेई सिलेबस भी जो होता है बच्चे, वो आपका सिलेबस क्लास 11 एंड 12 का ही सिलेबस होता है ना? क्लास 11 प्लस क्लास 12 का ही सिलेबस होता है। तो आपके पास कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है शुभम, अभी आप देख सकते हो कि 11वीं में अभी जस्ट आप परीक्षा बोर्ड का दिए, कितना परसेंट आपका मार्क्स आया था शुभम? सर, 10th में, हाँ जी, सर 10th में 87। 87%, वेरी गुड, 87% इज वेरी गुड परसेंटेज इन द क्लास 10th। और अब आपको क्या करना है कि ये जो 87 आया है तो बोर्ड में जो 12th में है तो हमें 90 से भी ऊपर लाना है, समझ रहे हैं? क्योंकि ये क्राइटेरिया लेकर आ गया है गवर्नमेंट, अभी जो गवर्नमेंट चल रही है हमारे मोदी जी की गवर्नमेंट, तो इसमें मोदी जी ने कहा है कि 75% मार्क्स वाले को ही बच्चे को हम एनआईटी और आईआईटी में दाखिला देंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए था इनको, लेकिन उन्होंने किया है, तो अब किया है तो अब किया है ना? हमें तो पालन करना पड़ेगा रूल को, रूल की तरह आपको सोचकर, है कि नहीं? तो क्या है कि बोर्ड में भी जैसे आपने 87% आपने यहाँ मार्क्स लाया, उसी ढंग से बहुत आराम से आपको 90% से एवव मार्क्स 12th में टारगेट करना है, और आएगा भी वो, ठीक है? कैसे आएगा कि जैसे जैसे आप 11 12 का जो कोर्सेज आप पढ़ेंगे, तो बोर्ड का एग्जाम में तो 11th का नहीं पूछेगा, 12th का ही पूछेगा, राइट है ना? बोर्ड का जो आप परीक्षा देंगे उसमें तो 12th का ही पूछेगा, ओके? तो 12th के पोर्शन को ढंग से करना है, प्रीवियस ईयर बोर्ड का भी एग्जामिनेशन का, जैसे आपने 10th में क्वेश्चंस लगाया होगा, बोर्ड का प्रीवियस ईयर पास्ट ईयर क्वेश्चंस लगाए थे, नहीं लगाए थे? लगाए थे लगाए सर। थे ना? तो उसी ढंग से 12th का भी जब बोर्ड होगा, तो उससे पहले हम लोग 2-3 महीने पहले से ही पूरा एक्सरसाइज शुरू कर देंगे मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री का, खूब अच्छे से पूरा प्रीवियस ईयर भी आपको रट्टा मरवा कर बोर्ड का एग्जाम के लिए भेजेंगे, कि आपको थोड़ा भी डर नहीं रहेगा, थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा माइंड में कि कहीं मेरा 75 से नीचे नहीं तो आ गया। जानते हो बहुत बच्चा कोटा दिल्ली में पढ़ते हैं और उनका मतलब बोर्ड पे कभी उतना ध्यान देते नहीं, तो होता क्या है ना, लास्ट में वो 75% लाने के लिए भी उन्हें जद्दोजहद करना पड़ता है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, ठीक है? तो ऐसा नहीं करना है, अपने को सब कुछ ढंग से पढ़ना है, 11 12 का ही कोर्स है जो कि यही सिलेबस है, तो क्यों ना अच्छे से 11 12 का पढ़ेंगे, साथ में जब 12th का पढ़ते रहेंगे तो प्रीवियस ईयर सीबीएसई बोर्ड का हम लोग क्वेश्चंस भी करते चले जाएंगे, एक साथ सारे काम हो जाएंगे, है ना? ठीक है भाई, अब आपको मैथ्स पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है, और यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ना है, इसी 3 टॉपिक पे आपको फोकस जो है सो बच्चे पूरा करना है। हम आपको यहाँ पर 2 टॉपिक पढ़ाएंगे, इसमें इसमें हम आपको क्या कराएंगे, मैथमेटिक्स भी मैं ही लूंगा, है ना केशव सर, और फिजिक्स भी आपको मैं ही लूंगा बाई केशव सर, ठीक है? केमिस्ट्री के हमारे 3 फैकल्टीज हैं, उनका हम इंट्रोडक्शन कराएंगे, तो वो तीनों है सो फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का क्लासेज आपका कंडक्ट कराएंगे, फाइन? समझ गए बात ये, ठीक है? अब देखो कि मैथमेटिक्स में क्लास 11th में हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, क्लास 11th में हमें कहाँ से चीजें स्टार्ट करनी है, तो क्या क्या पढ़ना है, मैं जो जेई सिलेबस में है बेसिकली, तो जो पहला चीज जो है आपका एलजेब्रा है, पहला चीज क्या है बच्चे, एलजेब्रा है ना? दूसरा चीज हमें क्या पढ़ना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है, ठीक है? तीसरा चीज क्या पढ़ना है हमें, कैलकुलस
कैलकुलस पढ़ना है। कैलकुलस, इसमें आपको डिफरेंशियल पार्ट मेनली पढ़ना है 11th में, डिफरेंशियल पार्ट है ना, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंसिबिलिटी ये सब चीज करना है। उसके बाद क्या पढ़ना है बच्चे हमें, प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी है कि नहीं। अब हम थोड़ा सा इसको हम बाइफरकेट करें, एलजेब्रा के भीतर में हमें क्या क्या पढ़ना होगा। तो एलजेब्रा के भीतर में जो होगा बच्चे, सो आपको पढ़ना है सबसे पहले क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन एंड इन इक्वेशन को भी इन इक्वालिटीज भी पढ़ते हैं, इन इक्वालिटीज भी बोलते हैं। ठीक है, पहला चीज आपका ये पढ़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्सप्रेशन इक्वेशंस इन इक्वेशन और इन इक्वालिटीज, फाइन। दूसरा जो चीज आपको पढ़ना है यहाँ पे, बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। तीसरा जो चीज आपको एलजेब्रा का भीतर पढ़ना है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये तीन चीज आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लिखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भीतर में सबसे पहले पढ़ना है आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है ना, फिर पढ़ना है इक्वेशन ऑफ सर्किल्स है ना, फिर सर्किल्स के बारे में प्रॉपर्टीज पढ़ना है, फिर आपको पैराबोला पढ़ना है, पैराबोला पढ़ना है, फिर इलिप्स पढ़ना है ना, एंड आफ्टर हाइपरबोला भी पढ़ना है, हाइपरबोला भी पढ़ना है। ठीक है, समझ में आ रही बात। कैलकुलस यस के भीतर में आपको सबसे पहले स्टार्ट करना होगा फंक्शन से, सबसे पहले फंक्शन से स्टार्ट करना है। फंक्शंस के भीतर में डोमेन, रेंज है ना, ये सब चीज पढ़ना है। दिख रहा है अच्छे से? अच्छा, यस सर, ये थोड़ा सा नीचे हो गया है, एक मिनट रुक जाओ, अभी ठीक है। यस सर, नोट करिए, डिफरेंशियल पार्ट में फंक्शन पढ़ना है, डोमेन रेंज पढ़ना है, उसके बाद लिमिट कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी लिखिए, लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी, डिफरेंशियबिलिटी है ना, फिर मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा है ना, फिर पढ़ना है रोल्स थ्योरम, रोल्स थ्योरम, लैंग्रेज मीन वैल्यू थ्योरम LMVT और कूसी मीन वैल्यू थ्योरम CMVT, ये सब लिखो। ओके लिखो अच्छे से। सर वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या लिखा आपने? बोलिए क्या बोल रहे थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ सर्किल्स, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, लिख लिया आपने? सर लिख रहा हूँ। नहीं लिखे? दिख रहा है? यस सर दिख रहा तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ना पड़ेगा, सब में टाइम लगता है, और हम लोग एक एक चीज आपको कराएंगे, उसके क्वेश्चंस करवाएंगे, इलस्ट्रेशंस करवाएंगे, होमवर्क देंगे, और ये जो है सो अपना टू वे इंटरेक्टिव क्लास है। इसमें क्या हो रहा है कि आपको कोई डाउट होगा डायरेक्टली आप पूछ सकते हो, है ना, डायरेक्ट आप पूछ सकते हो ना, यस आप पूछोगे तो मैं आपका आवाज सुनूंगा, मैं आपका आंसर दूंगा, तो तुरंत है सो आपका डाउट भी क्लियर होगा। तो इट इज लाइक ऑफलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास में भी आपको ऐसे ही बोर्ड पे टीचर पढ़ाते हैं, आप बैठते हो क्लासरूम में आकर, आप घर से ही यहाँ बैठोगे, है
है ना, और आपको लगेगा कि वर्चुअल क्लासरूम है, जो भी मैं बोलना चाहूंगा आप बोल कर डाउट पूछ सकते हैं, डाउट्स का आपका हम लोग यहाँ पे सारा सॉल्यूशन कराएंगे। ओके, ये जो सिस्टम है जिस ढंग से अभी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये आज के डेट में किसी भी इंस्टीट्यूट में आपको ऐसे नहीं मिलेगा। या तो आपको क्लासरूम ऑफलाइन ही ज्वाइन करना है, नहीं तो ऑनलाइन में आप अपने डाउट्स को कैसे पूछ पाते हैं, जैसे यूट्यूब में टाइप चैट करके आप पूछते हैं ना कि सर ये वाला बता दो वो वाला बता दो, उसमें क्या होता है कई बार टीचर आपका जो आवाज़ है सुन ही नहीं पाता है। तो अगर टीचर आपकी आवाज़ ही नहीं सुन पाया तो फिर आपका डाउट कैसे समझेगा वो, है ना। और टाइप करने से फील नहीं आता है ना, और जैसे ही आप डाउट पूछोगे बोल कर पूछोगे तो आपको फील से पूछोगे, आप जैसे ही बोलोगे मुझे समझ आ जाएगा कि एक्चुअली आपको कहाँ पे इशू हो रहा है। ठीक है बच्चे, बोलिए। सर प्रोबेबिलिटी का प्रोबेबिलिटी आप ऐसे ही खाली लिख लीजिए इसको। उसके बाद एक और टॉपिक लिखिए जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री है ना, 10th में भी पढ़े हैं ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन यहाँ पे और ढंग से करना है। और इसमें एक चीज जोड़ सकते हो, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल दिख रहा है। यस सर ठीक है, इतना हो गया, इतना नोट कर लिए अच्छे से।